नमस्कार दोस्तों, आस्था न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज आज आपको लेकर आया हूँ लखनऊ। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इतिहास की बातें जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे गोमती नदी की, वो गोमती नदी जहाँ श्री राम भगवान जी ने किया था स्नान और धोया था अपना धनुष। लेकिन आज इस नदी की हालत क्या है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल आस्था नेचर। तो दोस्तों ये वही नदी है गोमती नदी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं इतनी गंदी नदी हो गई है और हमें बहुत ही दुख है। ये भी आपको बताते हुए हमें बेहद दुख है कि यहाँ भगवान राम ने स्नान किया था जब वो लंका को जीत के लंका पे विजय पा के वो रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या से बच निकली, वो इसी नदी में स्नान किए थे जो आप देख पा रहे हैं। इस नदी की आज हालत क्या है दोस्तों, अगर पुराणों के अनुसार हम देखें तो जो गोमती नदी है, गोमती जो है वशिष्ठ ऋषि की बेटी है और ये वो नदी है जहाँ पे आप एकादशी के दिन यदि स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये पुराण में आज भी दर्ज है। लेकिन आज इस नदी को देख के हमें बेहद दुख है और आप सभी को होना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से और सरकार से हर एक लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस नदी की सफाई के लिए हम लोग को एक अभियान चलाना चाहिए ताकि स्वच्छ भारत के तौर पे हमारी जो एक महत्वपूर्ण नदी है, जो एक पवित्र नदी है, इस नदी का काफ़ी अच्छा विकास हो सके, लोग यहाँ पे आएँ और इस नदी को काफ़ी बेहतर करने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएँ। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आज जो हमारी धरोहर है, इस जगह है, आने वाले समय में ये लुप्त हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, जिसके बारे हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। बस हमारे जो आने वाले लोग हैं उस जनरेशन के लोग खाली कहानियों में देखेंगे। तो इसलिए हमारे सरकार से भी गुजारिश है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस पे ज़रा विचार करिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने दिखाया लखनऊ का गोमती नदी, ये नदी आपको देख के एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और ऐसे ही धरोहर जो है उसके बचाने के लिए एक कदम हम चलते रहेंगे। आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार चाहिए, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे कि हमारे जो भारत की प्रमुख धरोहर हैं वो बचाया जा सके और सरकार के साथ एक कदम स्वच्छता की तरफ मिला के हम लोग चलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।